हे गाइस, मैं हूँ प्रिया और आज से 2 साल पहले जो है वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला था मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो उस पे जो है वो मुझे आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने एक एक करके आंसर देने के बजाय सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देते हैं। मेरी भी प्रेगनेंसी जो है वो आसान नहीं थी, मेरे भी पीरियड्स जो है वो इनरेगुलर थे, तो मैंने जो है वो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव किया, पीरियड्स को जो है वो कैसे रेगुलर किया। तो गाइज, मैंने जो है वो अपने पीरियड साइकिल को समझा, मुझे कब इंटीमेट होना चाहिए उन चीजों को समझा। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको वही सब चीजें जो है वो बताने वाली हूँ। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक जनरल नॉलेज जो है वो मिल जाए, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी खुद की बेबी है 2 साल की, और मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीजें मैंने फेस की है, मेरी भी प्रेगनेंसी जो है वो आसान नहीं रही है। तो जो जो चीजें जो है मैंने की है वो सभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। इंटीमेट किट भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पीरियड इनरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो आप जो है इंटीमेट किट यूज कर सकते हो। और कैसे यूज करना है और कैसे काम करता है वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, कब होती है, ये भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये मेरे वीडियो के अंदर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो कि बार बार आप लोग पूछ रहे थे। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कब करना चाहिए, ये भी जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता था कि मेरा 3rd वीक है, 4th वीक है, मैं कब प्रेगनेंसी टेस्ट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, बट मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। डॉक्टर जो है वो कब आपको डिक्लेयर कर देते हैं 100% कि आप प्रेग्नेंट हो। गाइस, 4th 5th वीक में जो है मैं गई थी डॉक्टर के पास में, मेरा जो है वो पॉजिटिव आ गया था रिजल्ट, बट उस टाइम पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, बट फिर भी जो है डॉक्टर ने मुझे प्रेग्नेंट 100% कंफर्म नहीं बताया। हाँ, उन्होंने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो, बट वो भी 100% जो है वो लिख कर नहीं देते हैं कि आप प्रेग्नेंट ही हो, बिकॉज उसमें जो है ना वो दिखता नहीं है, एक छोटा सा क्लॉटिंग दिखता है जो कि मटर के दाने जितना होता है, और आप तो आपका जो है वो SCG लेवल बढ़ा रहता है। तो उन सब चीज़ों से वो बोलते तो है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप रेस्ट करिए, अच्छा खाना खाइए, टेंशन मत लीजिए, बट 100% जो है वो प्रेगनेंसी डिक्लेयर वो तभी करते हैं जब 3 मंथ्स हो जाते हैं। मेरा तो ऐसा ही हुआ था, 2 बार मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और 1 बार जो है वो मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था, फिर भी उन्होंने मुझे 100% नहीं बोला था। हाँ, इतना बता देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, बट 100% डिक्लेयर नहीं करते हैं। उसके बाद जो है आपको प्रेगनेंसी मिसकैरेज को कैसे अवॉइड करना है, क्या क्या चीजें जो है आप सावधानी बरतोगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मिसकैरेज नहीं होगा, वो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी में जो है वो आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए वो भी आज मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि वो सभी चीजें जो है वो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में फॉलो किया है, और मुझे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी का बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मुझे भी थे। तो आज इन सभी टॉपिक के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने जो भी डॉक्टर से बात की, जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछा, उन्होंने जो मुझे रिप्लाई किया, उस बेस पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। और मैंने जो है उसके बाद जितने डॉक्टर्स के रिसर्चर जो होते हैं उनके आर्टिकल्स पढ़े, उनके बारे में प्रेगनेंसी कैसे कंसीव किया जाए, कब आपको इंटीमेट होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जब मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो। तो आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो। तो आपको कब इंटीमेट होना चाहिए वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ में आपको सिर्फ 3 डेज ही मिलते हैं, जब आप इंटीमेट हो गए तो आप जो है वो बहुत फास्ट कंसीव करोगे। तो ये सब चीजें जो है वो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, तो इसलिए जो है मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये जान लेते हैं कि आपको इंटीमेट कब होना है। तो अगर आपका साइकिल जो है वो 21 दिन का है, 24 दिन का है, या फिर 26 दिन का है, या फिर 30 दिन का है, या फिर 32 दिन का है, ये साइकिल जो है वो आपके कितने भी दिन के होंगे, और लेकिन इसका जो एग रिलीज का टाइम है ना वो फिक्स होता है, वो होता है 14 डेज। अगर आपका 21 दिन भी पीरियड साइकिल है, 24 दिन भी है, 26 दिन भी है, तो ये 14 डेज जो है वो चेंज नहीं होगा। आपका एग जो है वो आपके पीरियड के फर्स्ट डे से जो है ना वो 14वें दिन माइनस कर दीजिए, तो ये डेट जो है वो आपको निकल के आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो 21वें दिन जो है वो आपको मान लेते हैं कि आपके पीरियड का पहला दिन होगा, तो 7 तारीख को जो है ना वो आपका एग रिलीज हुआ है, -6 -5, ये जो मैंने बताया है ना आपको वो डेट बताया है, यानी कि 7 तारीख को, 6 तारीख को और 5 तारीख को। और अब जो है वो डेज देख लेते हैं, तो -14 डेज, -15 डेज और -16 डेज। तो अगर आप 16 डेज पे भी जो है ना अगर आप इंटीमेट होते हैं,
तो भी जो है ना वो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन हमारा एग जो है वो 14 डेज पे रिलीज होता है। तो आप 16 डेज पे कैसे प्रेग्नेंट हो जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो 3 दिन तक जो है ना वो स्पर्म जिंदा रहता है। मेन का जो स्पर्म होता है, एक हेल्दी स्पर्म जो है वो 3 दिनों तक जिंदा रहता है, और लेडीज का जो एग है वो 1 दिन तक जो है ना वो जिंदा रहता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर जो है वो स्पर्म नहीं मिलता है तो वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है 24 आवर्स के बाद में। तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है वो 24 डेज का जो है वो निकाल लेते हैं। तो अगर आपका पीरियड जो है ना वो 24 डेज पे आता है, तो अगर 24 डेज पे जो है ना वो आपका फर्स्ट डेट है पीरियड का, मतलब पहला दिन है पीरियड का, तो ये आपका जो है वो 10 तारीख को जो है वो आपको इंटीमेट होना है, 9 तारीख और 8 तारीख ये जो है वो आपका पीक टाइम होता है इंटीमेट होने का। और अगर हम इसका भी डे निकाले तो -14 डेज, -15 डेज और -16 डेज। तो इसमें भी अगर आप वही मेथड होता है, अगर आप 16 डेज में भी जो है वो इंटीमेट होते हैं तो भी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, क्योंकि 3 दिन तक जो है ना वो बॉडी में स्पर्म जिंदा रहता है। उसी तरीके से जो है वो 26 तारीख का निकाल लेते हैं, तो 26वें दिन से जो है ना वो हमारी डेट जो होगी वो 12 तारीख, 11 तारीख और 10 तारीख। और उसी तरीके से -14 डेज, -15 डेज और -16 डेज हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये साइकिल का चक्कर जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है वो 1 दिन गैप करके इंटीमेट होइए या फिर 2 दिन गैप करके इंटीमेट होइए तो भी आप आराम से प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये जो नेचर ने हमारे बनाया है ना वो सभी प्रोसेस बहुत ही सोच समझ के बनाया है, तो आप अगर उन चीजों को भी फॉलो करेंगे ना तो भी आपका प्रेगनेंसी कंसीव करना जो है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो गाइज ब्लीडिंग से रिलेटेड जो है वो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेरा जो है वो फर्स्ट वीक में ही ब्लीडिंग हुआ, सेकंड वीक में हुआ, फोर्थ वीक में हुआ, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो कब होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, तो जैसे ही एग से जो है वो स्पर्म मिलता है उसके जो है वो 8वें दिन थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है, 10वें दिन हो सकती है या फिर 11वें दिन हो सकती है, और ये ब्लीडिंग जो है वो 2-4 बूंदी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। जब आपका एग जो है ना वो आपकी सरफेस से चिपकता है और वहां के टिश्यूज को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, उस केस में जो है वो 2-4 बूंद ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग जो है वो पीरियड्स की तरह नहीं होती है, क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर ये सब चीजें आपको हो रही हैं तो आपको जो है वो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर मैं अपना केस बताऊं आपको, तो मुझे जो है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो हो सकता है बहुत सारी लेडीज को नहीं हो। मुझे जो है वो 3rd मंथ में ब्लीडिंग हुई थी और वो 2-4 बूंदी स्पॉटिंग थी, और मुझे जो है वो 5th मंथ में भी ब्लीडिंग हुई थी, वो भी जो है वो 2-4 बूंदी स्पॉटिंग थी। मैंने इसके बारे में डॉक्टर को भी बताया था, बट उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता है कई केसेस में। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, क्लॉटिंग हो, आपको बैक में पेन हो रहा हो, तो आपको जो है वो डॉक्टर से तुरंत मिलने की जरूरत है। अगर 1-2 बूंद होकर रुक जाता है तो आपको तुरंत मिलने की जरूरत नहीं है, आप बाद में कभी भी डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें बता जरूर दें कि आपको जो है वो इस टाइम पे इतनी ब्लीडिंग आई थी। तो मैंने जो है वो आपको ब्लीडिंग के बारे में जो है वो क्लियर कर दिया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, मुझे ब्लीडिंग कब आई, और बहुत सारी लेडीजों को जो है ना वो अलग अलग टाइम पे हो सकता है। तो ये जो है वो प्रेगनेंसी पे जो है ना वो डिपेंड करता है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि मैम मेरा 2nd वीक है, मैंने टेस्ट किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा 3rd वीक है, मैंने टेस्ट किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो है वो अपना 4th वीक में टेस्ट किया था और 4th वीक में भी जो है ना वो 100% मुझे किट में भी जो है ना वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। मैंने टेस्ट किया, 5 मिनट तक उस किट को रखा और उसके बाद जो है मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, तो मैंने उसे फेंक दिया। तो ऐसे करके मैंने 2-3 बार जो है वो टेस्ट किया, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी थोड़ी डाउन चल रही थी और मेरे पीरियड्स भी जो है वो इनरेगुलर ही चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तब उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी किट में जब आप टेस्ट करते हो ना तो उसमें भी SCG लेवल जो है वो मापा जाता है, तो नॉर्मल लेडीज का जो है ना वो 10 तक रहता है, और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो SCG लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, डे बाय डे जो है ना वो दुगना होता जाता है। लेकिन आपका जो है ना वो किट भी जो है वो तभी 100% डिटेक्ट कर पाता है जबकि जब आपका 50-60 से ऊपर चला जाता है SCG लेवल, तो आपका जो है वो 6th वीक, 7th वीक या फिर 10th वीक तक अगर आप टेस्ट करोगे ना तो आपको 100% कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप 7-8 वीक में भी टेस्ट करोगे तो मेरे ख्याल से आपको पता चल जाएगा, बस किट को आप थोड़ा ज्यादा टाइम तक संभाल के रखना, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको डिटेक्ट करने में, बट करके बता ही देता है वो। मुझे भी जो है वो 5th वीक में पता चल गया था, बट बहुत लाइट सी लाइन थी और बहुत टाइम बाद वो लाइन जो है वो मुझे दिखी थी,
तो जब एसईजी लेवल बढ़ जाता है ना, तब वो लाखों में चला जाता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी का जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तब, तो उस टाइम तक तो वैसे भी हमें पता चल ही जाता है, तो उसका कुछ खास मतलब नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना वो एसईजी लेवल जो है वो दुगना होता रहता है, तो उससे भी डॉक्टर्स भी जो है ना उसी से पता करते हैं। और ब्लड टेस्ट भी जो होता है ना उसमें भी एसईजी लेवल ही आपका पता किया जाता है, जिससे डिक्लेयर होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, जब अल्ट्रासाउंड में जो है वो डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है। तो अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर करते हैं ना, तो उनको एक ब्लड का छोटा सा क्लॉट जैसा दिखता है, लेकिन वो उस क्लॉट को जो है ना वो 100% प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्लॉटिंग दिख रही है, बट हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, आप रेस्ट करो, अच्छा खाना खाओ, कोई भी हैवी काम मत करो। लेकिन डॉक्टर भी जो है ना वो 3 महीने बाद ही आपको कंफर्म करती है, क्योंकि वो क्लॉटिंग जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है ट्यूमर हो सकता है कैंसर हो, या फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है। और एससीजी लेवल भी ना और भी कई कारणों से बढ़ जाती है, बट एक मेजर कारण उसमें प्रेगनेंसी भी होता है लेडीज का। तो मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दिया है, आपको जो है वो किट में कैसे टेस्ट करना है, कब टेस्ट करना है, एससीजी लेवल क्या होता है, कितना होता है। और डॉक्टर जो है वो 3 महीने बाद जब बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है ना अल्ट्रासाउंड में, तब वो आपको 100% बोल देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो गाइज, आप जो है वो प्रेगनेंसी मिसकैरेज कैसे अवॉइड कर सकते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें बहुत बोला जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको काम करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, रेस्ट नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, बट ये जो है वो 4th-5th महीने से करना चाहिए। शुरू के 3 महीने आप जितना रेस्ट करोगे, जितना आराम करोगे, कोई हैवी काम नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा वैसा चीज नहीं उठाओगे, वजन की चीजें नहीं उठाओगे, जीना वगैरह नहीं चढ़ना होता है, कोई भी हैवी काम नहीं करना होता है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं लेना है, यानी कि मसाजर वगैरह अगर आप यूज करते हैं ना वो सब यूज मत करिए। कई बार लेडीज ट्रिमर भी आता है, उससे भी आप बॉडी में क्लीन करते हैं, वो सब भी मत करिए, अवॉइड करिए कुछ टाइम तक। गाड़ी में जो है वो ट्रैवल मत करिए, ट्रेन में भी ट्रैवल मत करिए। 3 महीने आप जितना घर पे रहेंगे, रेस्ट करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, खुश रहेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए, मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये शुरू के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें जो है वो आपको बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, नौजिया होता है, उल्टियां आती है, और ये लगभग केस में होता ही है, बहुत कम लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि बोलते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत स्मूथ थी, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि बोलते हैं कि मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे स्मेल आती है खाने से, मुझे उल्टियां आती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, हेडेक होता है, एसिडिटी होती है, बैक पेन होता है, और ये सब चीजें मुझे भी हो रही थी। तो वॉमिटिंग की जो दवाई है ना वो आपको डॉक्टर आजकल लिख के दे देते हैं, आप बता दो उनको कि आपको उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको लिख के दे देंगे। बट वो ऐसा बोलते हैं कि आपको जब उल्टी आए ना तब आप ये दवाई लेना, बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और सजेस्ट करूंगी कि आप डेली मॉर्निंग में एक गोली ले लीजिए, क्योंकि अगर उल्टी आ ही गई खाना खाने के बाद, आपका मन खराब हो ही गया, तो फिर दवाई लेने का क्या मतलब है। और ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ 3 महीने ही रहती है, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है ये दवाई, तो आप ले सकते हो, एक गोली ले लो सुबह, कोई दिक्कत नहीं है, और शाम को भी एक गोली ले लो खाना खाने से पहले, छोटी छोटी गोलियां आती हैं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टी आने के बाद अगर आप लोगे तो आपकी तो हालत खराब हो ही जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना आप खुश रहोगे, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखोगे, उतना ज्यादा आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। उसके बाद फूड की बात कर लेते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप जो है वो हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, अगर आप बाहर के फूड को अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको 3 महीने में जो है ये अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स में जो है ना वो आप गर्म तासीर वाली चीजें मत खाइए, यानी कि पपीता मत खाइए, कच्चा भी नहीं और पक्का भी नहीं। एग्स मत खाइए 3 महीने तक, स्टार्टिंग के 3 महीने एग्स मत खाइए। आम मत खाइए, आम का भी तासीर जो है वो बहुत गर्म होता है। तो ऐसे अगर आपको और भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पता है जिनकी तासीर गर्म होती है तो वो आप अवॉइड करिए, मत खाइए। नॉर्मल रोटी चावल दाल खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, ये सब चीजें आप आराम से खा सकते हो, बस गर्म तासीर की चीजें नहीं खानी है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो काफी आसान हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो शेयर कर दी है, जितने क्वेश्चंस आपके आ रहे थे उन सब के बारे में मैंने डीपली आपको बता दिया है। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेके आऊं तो मुझे डेफिनेटली बताना, वो कमेंट्स करना क्वेश्चंस, मैं अगर हो पाएगा तो मैं जरूर एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी उसके ऊपर और आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय बाय।